दादाजी आप मिठाई क्यों बांट रहे हो? आज उनका जन्मदिन है। किनका दादाजी? उनका, जो भीम की तरह है, दुर्योधन की तरह जो राज्य चलाते हैं, कर्ण की तरह जो दानवीर है, और ये तीनों गुण एक इंसान के अंदर है, और उनका नाम है चंद्र केशव रेड्डी। वे इस दुनिया में है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन वो जरूर आएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। जी सर, सब हमारे कंट्रोल में है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ओवर। तेरा? उसके बचने का कोई चांस नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक ठाक है ना? हाँ सर। नहीं है। खल्लास। क्या कहा? पोर्ट को घेर चुके हैं, तो मैं क्या करूं? बीच में कूद जाऊं क्या? कैसे बच पाऊंगा मैं? कुछ भी हो जाए, पोर्ट पे आ रहा हूं मैं। मुझे बचाना आप लोगों का काम है। नहीं, मेरे साथ चलो। मैंने आपसे कह दिया ना मैं घर लेट आऊंगा, अब फोन रख दीजिए ना प्लीज। दिमाग खराब कर दिया है मेरी मां ने। क्या माल है, कमाल की चीज है यार। कॉन्डोम्स की जरूरत नहीं है, ये गांधी मेडिकल कॉलेज की लड़कियां, इन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इन्हें एड्स नहीं होगा। क्या रे? हाँ, क्या बकवास कर रहा है? यहाँ रात को 12 बजे क्या कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? मैं DIG की बेटी हूँ। दोबारा अगर छेड़ोगे तो अंदर करवा दूंगी। अंकल बाहर मुझे काम है, आप खाना खा लीजिए। अंकल आप खा लीजिए, मैं बाहर खा लूंगा। हेलो, कोई यूपी वाला लगता है। टाइम क्या हो रहा है? रात का 1 बजा है। रात के 1 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिस्को से आने वाली लड़कियों को छेड़ने के लिए खड़े हो? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है? तुम्हारा बाप चाहे जो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने मुझे लोगों को मिला के अच्छा नहीं किया।
मैं अभी भी कहती हूँ कि हमें छोड़ दो। तुम नहीं जानते कि मेरे पापा कौन है, अगर उन्हें पता चल जाएगा ना तो तुम्हारा क्या है? हाँ? तुम लड़कियों को लॉकअप में क्या कर रहे हो? मैं पहले यहाँ आया, बाद में आप लोग। केस क्या है? पहले तुम बताओ कि तुम्हारा केस क्या है। केस। ये क्या कर रहा है? औरत और इसका रेप? सॉरी, मैंने किसी का रेप नहीं किया। एक औरत ने मेरे साथ रेप किया। एक औरत ने तुम्हारे पे रेप किया? मैं शराब के नशे में था, उस हालत में पता नहीं उस औरत ने मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे कुछ पता ही नहीं। क्या तुम उल्टी कहानी सुना रहे हो? ये कोई टीवी सीरियल की कहानी नहीं है। क्या एक औरत ने रेप किया और जेल में डाल दिया? पुरानी कहावत तो तुमने सुनी होगी, चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू के ऊपर, कटना तो तरबूज को ही है ना। मर्द भी तो एक तरबूज की तरह है ना। अब आप लोग बार बार मेरा बलात्कार मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बलात्कार? ए, चुपचाप अपना मुंह उधर कर लो वरना गला दबा दूंगी। नहीं। नहीं, 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 नहीं। केस के बारे में कुछ वर्कआउट किया? क्या बता वो। मॉर्निंग सर। तुमने मेरी बेटी को अरेस्ट किया? क्या ये आपकी बेटी है सर? हाँ मेरी। ये आप जैसे ऑफिसर की बेटी होकर इतनी रात को घूमती होगी, ये मैंने सोचा नहीं था सर। वजीर इनको छोड़ दो। आई एम सॉरी सर, सॉरी। ए रुक जाओ। चलो बेटी। डैडी ये जब तक सॉरी नहीं कहेगा मैं नहीं आऊंगी। जाने दीजिए ना सर, कह देता हूँ सॉरी, उसमें क्या है। क्या रे, तेरे को सॉरी बोलो? आई लव यू कह दिया सर। अब आप जाइए मैडम। डैडी मुझे आई लव यू बोल रहा है। मैंने क्या कहा? आई लव यू। डैडी इसने मुझे वापस आई लव यू बोला। क्या मैंने आई लव यू कहा? आई लव यू नहीं सर, मैंने तो सॉरी कहा। क्या वे, मैंने आई लव यू कहा? देखा सर। बेटी मैंने कहा ना जल्दी यहाँ से चलो। जाइए मैडम, फिर मिलेंगे। क्या कर लिया तेरे बाप ने? कुछ कर पाया? जाओ अब। नमस्ते जी सर। कैसे हैं? कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद दिखे। अच्छा, बात कर सकते हैं। कौन है ये? ये इंस्पेक्टर का रिश्तेदार है, राज घराने से अब यहीं सेटल हो गया है। कौन सा गांव? पत्नी हूँ मेरी, और सुन ले मेरी पत्नी की हैसियत से रहो। इस तरह अगर तुमने गैर मर्द की ओर देखा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बड़े भाई ने बुलाया। वो वापस आएगा इस गलत फहमी में मत रहना, तुम बोल जाओ। इसी में भलाई है। सुनो भाई, आजकल लेडीज लोगों का सपोर्ट बढ़ गया है, इसके लिए लेडीज को ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर हाथ उठाना है तो सोच समझ के उठाना चाहिए, मर्द के ऊपर उठाइए। ये सजेशन मुझे दूर रहकर देना चाहिए था। नमस्कार सर, मेरा नाम कल्लू रामन, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ इस बार के इलेक्शन का। अगर आप मुझे टिकट दिला दें तो मेहरबानी होगी। 1 करोड़ खर्च कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ मैं। तो ठीक है, मैं दिल्ली में टिकट के लिए बात करूंगा। हाँ, मगर तुम्हारे अपोजिट में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारे टिकट का काम संभालेंगे, सब सेटअप हो जाएगा, समझे? क्या? लेकिन तुम्हें हमारे लिए एक लड़की का इंतजाम करना होगा। तुम्हारी उम्र क्या है? यही 20 के आसपास। मगर मुझे 40 के लग रहे हो। अरे नहीं, अभी तक मैं बिल्कुल कुंवारा हूँ। कुंवारे हो? हाँ, तब तक मैंने लड़की को हाथ भी नहीं लगा। लगता है तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मिलो जाकर। नहीं, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनेजर। हाँ सर, मेरी बात ध्यान में रखना। बहुत प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स कॉलेज में आने से डरते हैं, कंप्लेन करती हूँ कोई जवाब नहीं मिलता है। हमारे कॉलेज में पहले ही टीनेजर्स लड़कियां हैं, यहाँ के लड़के उन्हें छेड़ते हैं। आपने जिस इंस्पेक्टर को केस दिया है ना मैडम,
वही लड़कियों को छेड़ता है। सबसे बड़ा टपुरी तो यही है, ये रोमिया हमें क्या बचाएगा? इधर आ। क्या? मैंने कहा ना इधर आ। क्या है? ऐसी आधी अधूरी ड्रेस पहनकर कॉलेज जाओगी तो लड़के छेड़ेंगे नहीं? जो तुम लोगों को नहीं दिखाना चाहिए वो तुम लोग यहाँ खुलेआम दिखाती फिर रही हो। मोनालिसा, तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1982। तुम्हारे स्कूल में जाने का डेट? 1987। टेंथ क्लास पास होने का डेट? 97 अप्रैल। और मैच्योरिटी का डेट बता? बता? बताओ बताओ, भाई को गुस्सा आएगा। बताओ 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 भाई, इस डेट में तुम्हारा ग्रीटिंग भी जाएगा। बोलो मोनालिसा, बोलो। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। अरे छोड़ो ना यार, जाने दो ना। कौन है रे तू? क्या काम है रे तेरा यहाँ पे? हीरो, हीरो बाप, हीरो। देखा तो मालूम नहीं हो रहा, देख अब लड़कियों को बचाने को आया। देख ए हीरो, चल तेरा काम देख ले, चल जा जा, तेरा काम देख। आई एम सॉरी। तेरा रास्ता ना, अब जा जा। बोलो, अन्ना का जवाब नहीं दिया अभी तक? रेप वेप हमको नहीं आता, ऐसा सोचकर हमको छक्का मत समझना। इरिटेट किए तो कुछ भी कर डालते। अरे ठहरो ठहरो, गाड़ी पे पेट्रोल डाल रहे। अरे अरे जल जा। अरे भाई भाई क्या कर रहे हो यार, गाड़ी पे पेट्रोल क्यों डाल रहे हो? स्टाइल है या हीरो की तरह मार रहा है? तुम लोग फालतू बकवास बंद करो। चलता हूँ मैं। जरा जोर से बोलो बेटा। अब इससे ज्यादा जोर से और क्या बोलूं मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर, आप चंद्रा किशोर रेड्डी है ना? नहीं भरत, क्यों पूछ रही हो? आप महाराष्ट्र के है ना? पहले था, अब नहीं। हमारे गांव में आपकी मूर्ति है सर। मेरी? बिल्कुल आप ही की है सर। लोग कहती है कि मेरी शक्ल फिल्म स्टार MTR जैसी है। ये मूर्ति शायद उनकी हो। तुम किस गांव की हो? मैं कोल्हापुर की हूँ सर। यहाँ क्या कर रही हो? मेडिकल की पढ़ाई के लिए आई हूँ। ओहो, तो ठीक है, मन लगा कर पढ़ो। हाँ
तुम यहाँ कैसे? चलो बताता हूँ, आओ। सत्य शेट्टी, भरत यहाँ पर है, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना? तुम मुझे वचन दो, वचन दो, जल्दी। हेलो, मैं हिंदी फिल्मों में म्यूजिक देना चाहता हूँ। आपने कौन कौन सी फिल्मों में म्यूजिक दिया है? मैंने कहा करना चाहता हूँ, किया नहीं हूँ। मैं यहाँ प्रोग्राम के लिए आया था। मेरा नाम हैप्पी लहरी है, हिंदी फिल्म में म्यूजिक करना है। मैं कौन हूँ मैंने बता दिया, आप क्या करते हैं ये बताइए। मैं फालतू में घूमता हूँ, मैं हवा में घूमता हूँ। मैं समझा नहीं। मुझे लगा आप हवा में घूमते होंगे, कैसा लगा मेरा जोक्स? बेकार में तबला मत बजाओ। अरे पागल है, पता नहीं कहाँ जा जाते हैं। मैं भी अभी आई हूँ। ए, ऐसे क्या देख रहे हो? लाइन मार रहा हूँ। क्या? लाइन मार रहा हूँ, दूर से दिख नहीं रहा था इसलिए पास आकर देख रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बहुत डेरिंग है। एक थप्पड़ मारूंगी। चप्पल से मार खाना मिले नया नहीं है। छी छी, कितनी गंदी बातें करता है। चल जाओ, मैं दूसरी लड़की देख लूंगा। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। नमस्ते, बैठिए। क्या बात है शर्मा जी, दामाद भी ढूंढा तो एसपी आईएएस क्यों नहीं? अरे शर्मा जी बहुत चालाक हैं, एक तीर से दो निशाना लगाया इन्होंने। कैसी हैं आप? क्यों दिखाई नहीं देता? क्या खाक दिखाई देगा, सब कुछ तो ढका हुआ है। हाँ। जब प्यार से अच्छी बातें करोगी तो खूबसूरत लगोगी, और बेकार की बातें करोगी तो बेकार लगोगी। हेलो, तुम्हें ही बुला रहा हूँ, बड़े ग्लैमरस लग रहे हो यार। मैं तो जन्म से ही ग्लैमरस हूँ। वैसे खाते क्या हो खाने में? वही जो सब लोग खाते हैं। मगर सब लोग तुम्हारी तरह क्यों नहीं दिखते हैं फिर? तुम्हारी नजर का दोष है। मतलब तुम कहना चाहते हो मेरी आंखें खराब है? तुम्हारा ग्राफ ऐसा क्यों है? मेरा नाम हैप्पी लहरी है। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा ग्राफ ऐसा क्यों है? वो तो बचपन से ही ऐसा ही है। तुम भी तो बड़े हो गए हो, फिर बाल क्यों नहीं बढ़ने दिए? बालों का ऐसा है कि बढ़ते हैं पर कटवा देता हूँ। ऐसा क्यों? रिवर्स जाऊं? नहीं, स्ट्रेट। ठीक है, जाता हूँ। वाह क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम हैप्पी लहरी है, मैं यहाँ प्रोग्राम करने आया हूँ। मेरे प्रोग्राम का नाम है कौन बनेगा बकरा। जीतने वाले को मैं कुछ नहीं दूंगा, ये सिर्फ मनोरंजन है। मर्दों से पंगा मत लेना। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं मेरे जिस्म में करंट कैसे लग गया। करंट नहीं, ये तो प्यार की शुरुआत है। रुको, हाँ कहाँ जा रहे हो? मुझे धनंजय रेड्डी से मिलना है। लोग द्रौपदी बालाजी से मिलने जाते हैं, रामेश्वर रामजी से मिलने जाते हैं, अब आप धनंजय के यहाँ आए तो उनसे ही मिलना होगा। उनसे क्या काम है पहले ये तो बताओ। बहुत बोल रहा है। क्या बात है? मैं इस एरिया का नया एसपी हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बैठो। तेरे को यहाँ आने के लिए मैंने मना किया था ना, फिर भी तू आ गया। मैंने तुम्हारे एरिया का टिकट किसी और को दिलवा दिया। इलेक्शन के लिए इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और आपने टिकट किसी और को दे दिया। इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मेहनत नहीं कैश चाहिए। कैश है तुम्हारे पास? कैश है? लोग ऊंचाई की ओर बढ़ रहे और तुम आज भी नीचे की सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा ये हाल है बेवकूफ। क्षण होने तक तो कोई लफड़ा नहीं चाहिए, समझ गए ना? नहीं तो खलास। बोलो एसपी, क्या बात है? मैंने सुना था कि आपको गुस्सा बहुत कम आता है, पर मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत गुस्सा आता है। अपने गुस्से पर काबू रखिए। आप इस इलेक्शन में अगर कहीं बम फटा, किसी की भी जान गई, तो जैसे आपने अभी इस आदमी को लात मारा है ना, वैसे ही मैं भी आपको लात मारूंगा बीच रोड में, समझे? अपने आदमियों से कह दो
एसपी साहब को बहुत गुस्सा आता है, वो लोग अपने आप को कंट्रोल में रखे। बोल दूंगा। ठीक है ना, अब आप जा सकते हैं। क्या समझता है? अरे तेरे भाई को ये नहीं मालूम कि महात्मा गांधी कौन था, तो इसके बारे में क्या पता चलेगा? देख लूंगा इसे। ये मूर्ति किसकी है? सर ये मूर्ति चंद्रकेश्वर जी की है, इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हमारे साहब हैं। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या तुम्हारे साहब के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो किसी से प्यार से बात कर सके? इनके पास प्यार करने का टाइम नहीं है। भाई ये इंस्पेक्टर मुझे मारा। क्यों रे, तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा? ये लोग दशहरा के नाम पे हत्या उसे कर रहे थे। तो क्या हुआ भाई? सरकार तुम लोगों को तो हर महीने तनख्वाह देती है, हम लोगों को कौन देगा? और भाई तुम लोग भी तो हफ्ता लेते हो हमसे। हमारे पुलिस स्टेशन में कोई रिश्वत नहीं लेता। क्या बात करते हो भाई, देखो तुम लोग भी हमारी तरह ही गांव से आए हुए हो, तुम भी जियो और हम लोगों को भी जीने दो। कितनी बार तुम लोगों को समझाया है हमारे आदमियों पर हाथ नहीं उठाने का, वरना अच्छा नहीं होगा। हंगामा मत करो, चुपचाप यहां चले जाओ। हम लोग हंगामा करें क्या? चुपचाप यहां चले जाओ। हंगामा तो तू कर रहा है। क्या रे, पुलिस स्टेशन में गुंडा? दादा हो, गुंडे हो? क्या रे, दाढ़ी बढ़ा के अपने आप को गुंडा समझता है? क्या रे, तू क्या देख रहा है? पुलिस स्टेशन में आएगा, धमकी देगा तू? जो भी लोग मुझे लेकर बच जाएगा? नहीं नहीं साहब, साहब साहब गलती हो गई साहब। अरे साहब करेगा नहीं साहब, नहीं साहब स्टेशन में फंसेगा। माफ कर दो साहब, साहब स्टेशन में माफ कर दो, दादागिरी करेगा तू? दादागिरी करेगा? माफ कर राज है सर। साहब साहब क्या रखा तुम लोगों ने? साहब गलती हो गई साहब, गुंडे हो तो कुछ भी करोगे साहब? नहीं साहब, साहब साहब मेरे थाने में घुसेगा तू? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण लोग पुलिस की कदर नहीं करते, अब समझ गएगा तुम्हें। रुको इंस्पेक्टर भरत। हां भरत बोल रहा हूं, मिनिस्टर साहब से बात करो। भरत है? हेलो भरत। सर भरत सर तो बाहर गए, आपको कुछ काम था? भरत बाहर गया है। भरत तो था सर। हेलो भरत। कहाँ ना भरत, बोल रहा हूँ बोलो। मिनिस्टर साहब से बात करो। लीजिए सर। हेलो भरत। सर मैंने कहा ना भरत सर बाहर गए हैं, आपको काम क्या है? भरत बाहर गया है, ऐसे कैसे हो सकता है सर? हेलो भरत। हाँ भरत ही बोल रहा हूँ, बोलो। मिनिस्टर वहाँ आ रहे हैं। क्यों बे, मिनिस्टर साहब को आने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट साहब, 20 मिनट तक इनकी नॉन स्टॉप पिटाई करो। चलो साहब, साहब मेरी बात सुनो साहब, साहब साहब ऐसा मत करो साहब। कैसे आना, बैठो। कुछ पियोगी? हाँ नहीं। कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं, बात करनी थी। क्या बात करनी है? वो ऐसे कि क्या मुझसे प्यार हो गया? प्यार हो गया ना मुझसे? हाँ वैसे ही कुछ। वाह क्या बात है, चार पांच गुंडों की पिटाई कर दी और तुम हीरो समझकर मुझसे प्यार करने लगी। मगर मैं चार पांच गुंडों को मारकर हीरो नहीं बन गया, ये मेरी ड्यूटी है समझी? और तुम फालतू बातों में ध्यान देना बंद करो और पढ़ाई में अपना मन लगाओ और घर वालों की मर्जी से शादी करो। गुड मॉर्निंग सर। भरत तुम्हारा ही नाम है? हाँ सर। आपने तकलीफ क्यों की, मुझे बुला लेते मैं आ जाता। आई एम सॉरी सर, मेरे आदमियों को पता नहीं था, वो सब आपके आदमी है, मुझे पता चला तो मैंने भेज दिया। वो लोग यहाँ से चले गए? हाँ सर, मैंने आते ही उनको भेज दिया था। ठीक है, तेरे मिनिस्टर को मैंने टोपी पहना दी साले। हाँ बोलो। क्या बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। देखो जब कोई लड़की अच्छा काम करती है तो उसके घर वालों का भी नाम होता है, और जब कोई लड़की गलत रास्ते पर निकल पड़ती है तो घर वाले भी बदनाम होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मैं यही चाहता हूँ। अब जाओ। तुमने ऐसी बातें करके मुझे इंप्रेस कर दिया मेरी जान, चलती हूँ। अरे छोड़िए इन बातों को, पेपर वाले तो कुछ भी लिखते हैं, ये सब बातें तो होती ही रहती हैं। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। वेंकट मुझे बहुत मारा भाई, मुझे बहुत मारा, उसने मार के कचू में निकाल दिया। भरत भरत तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा? सॉरी सर, मेरे आदमियों ने एक्स्ट्रा पिटाई कर दी, सॉरी। ठीक है, सॉरी इसको बोलो। ओके सर, फोन दीजिए उसे। हेलो। क्या रे, तेरे को सॉरी बोलूं? अबे सॉरी तो बोल दूंगा, लेकिन सॉरी बोला तो दोपहर में तेरे घर मार आकर फिर मारूंगा, रात को आकर फिर मारूंगा और फिर सॉरी बोलूंगा। बोल, बोलो सॉरी। ठीक है साहब, ठीक है, सॉरी बोल रहे मुझे, लेकिन सचमुच बहुत मारा भाई। सर
हमारे आदमियों को मारकर वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। जानता हूँ, मगर हमारे आदमी गलती करेंगे तो भुगतना ही पड़ेगा, और ज्यादा करेंगे तो हमें भी भुगतना पड़ सकता है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा सर। वैसे काफी बहादुर और टैलेंटेड है, नौकरी छोड़कर हमारे साथ आ जाए ज्यादा अच्छा होगा। भरत, मेरी बेटी ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया कि ये तुमसे आंखों ही आंखों में प्यार करने लग गई? तुम्हें मेरी बात को मानना होगा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। सर, आप जो कह रहे हैं उसे पूरा करना मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी शादी का सवाल है, और आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मुझ जैसे गुस्से वाले इंसान से शादी करके आपकी बेटी को क्या मिलेगा? मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। अगर मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली तो लोग कहेंगे कि मैंने ये शादी अपने प्रमोशन के लिए की है। चलता हूँ। भरत, देखो ये ऐसीर है, इसे मैं तुम्हारे नहीं अपने ऊपर डालूंगी। मुझे जो हाथ छुएगा वो हाथ तुम्हारा होना चाहिए, जो होंठ मेरे होंठों को चुमेंगे वो होंठ तुम्हारे होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ऐसीर मैं अपने चेहरे पे डालूंगी। तुम मेरे हाथ से शिशु को तोड़ सकते हो, मगर मैंने अपने दिल में जो प्यार बसा लिया है उसे नहीं तोड़ सकती तुम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें भी करना होगा। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो बटन दबाता ही प्यार करने लगूंगा। तो करो, प्यार करने के लिए टाइम चाहिए। ओके, अब तुम प्यार करोगे, सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। डोंट वरी, शी इज ओके, थोड़ी लो बीपी है, वो ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है जी। अच्छा जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। बेटी, तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगा। नहीं, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक है, मैं बना लूंगी। आपने दादाजी से बात की? हाँ बेटी, मैंने बात की। उधर इलेक्शन का लफड़ा चल रहा है और इस समय हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, ऐसा दादाजी ने कहा। पता नहीं कब हम वहाँ जाएंगे। हम जरूर जाएंगे, वो दिन भी आएगा। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो भाई। हमारे एरिया में एक नया एसपी आया है, वो बहुत ही कड़क है, धमकी दे रहा है, इलेक्शन सर पे है, क्या करूँ मैं? भाई आपको जो करना है करो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, रखता हूँ। अपने आदमी को भेज देना। हाँ ठीक है। सर, कहाँ हुआ है आपका ट्रांसफर? Thank you.
माफ करना साहब, 22 साल से मैं जेल में हूं, लेकिन आज तक मैंने कोई लफड़ा नहीं किया। मगर आज जब ये लोग आपको गाली दे रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। केशव साहब, 22 साल से आप इस जेल में क्यों हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपकी सजा क्यों बढ़ाई जा रही ये भी समझ में नहीं आ रहा, और आपको रिलीफ का ऑर्डर कब आएगा पता नहीं। आप इस जेल से छूटकर जाएंगे भी या नहीं? नहीं, मैं इस जेल में नहीं मरूंगा। और बेशक इंसान हवा पानी और खाने पर जिंदा रहता हो, पर मैं जिंदा हूं बदले की भावना पे। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं उसी गांव में मरूंगा, और मेरे सीने में जिस आदमी के लिए बदले की आग चल रही है मैं उसे बुझा कर ही रहूंगा। इकबाल हुसैन, विक्रम सिंह, नारायण सेठ, शंकर यादव, मिंटो सिन्हा, यशवंत, ओमी शर्मा, विलियम, राजेश, रतन मयाल, कृपाल सिंह, माइकल जाम। इसका वजन काफी बड़ा हुआ लगता है। अभी कम होने लगा है सर। यह है बलवंत राणा, यह है सोनू पाहुजा, चंद्रकांत केशव रेड्डी। क्या क्या कहा? चंद्रकांत केशव। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं आप बताइए। 22 सालों से मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। 22 साल? ओ माय गॉड।
चंद्रा केशव रेड्डी, मुझे मारने में एक मिनट भी देर मत करो, मार डालो मुझे, मुझे मार डालो, तुम्हें देखकर मैं जी नहीं पाऊंगा। जीने की कोशिश करो, इस तरह मारने के लिए कहोगे तो कैसे मारूंगा हा? अपने बचने की कोशिश करो, घिन आती है तुमको देखकर, जी बचने की कोशिश करो, बात करता है। प्लीज देखो, मैं बीपी का पेशेंट हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, इस तरह से मुझे मत तड़पाओ, एक बार में मुझे खत्म कर दो, मार डालो मुझे प्लीज। क्यों? अब अपनी मौत को सामने देखकर डर लग रहा है? जब तुम दूसरों को मारते हो तब क्या उन लोगों को डर नहीं लगता होगा? छे, मेरे गांव का होकर भी आवाज से ही मर गया, बस दिल कहीं का। हेलो, सुनो शिवाजी, चंद्रा केशव रेड्डी जिंदा है, कल अपना शेर गांव आ रहा है। कुंवर जी जिंदा है बेटी, कुंवर जी जिंदा है। माँ, तुम्हारे पिताजी जिंदा है। लो अपने कपड़े पहन लो। जी भाई। बोलो रेड्डी साहब, तुम लोग को 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 6 मिनट के बाद तुम्हारे आदमी और तुम्हारा सामान यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, तुम लोग को जहां जाना है जाओ, चलो जाओ। एक ना एक दिन इन लोगों को यहाँ से जाना ही था। पायलागो दादाजी। बेटी तुम कौन हो? भैया ये तुम्हारी भांजी है। कैसी हो बहन? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं बहन, बहन हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ सकता, माफ कर देना मुझे। मार डालो उसे। हा? हम दोनों एक ही माँ की औलाद है, एक साथ बड़े हो गए, फिर वो मेरी जिंदगी में आए, अगर तुम उसे मानना चाहते हो तो मेरे सुहाग की चिंता मत करो। हा?
बाबू अपनी बहन को टिक्का तो लगाओ। अपने भाई के मांगने पर तुम अपना सुहाग देने को तैयार हो गई, मुझे तुम पर नाज है बहन। आओ। क्यों रे, जीजा अपने साले को सर पर बिठा कर रखता है और तुम मुझे मानना चाहते थे? तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बहन का सुहाग हो। आज के बाद तुम मेरे घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना इस उंगली से तुम्हारे गले में छेद कर दूंगा। फूट लो अब। अब जाओ बहन। भाई वो शंकर जी एमपी बन गए हैं और शिवाजी मिनिस्टर बन गया है और पांडे जी ने हैदराबाद बहुत लफड़ा किया भाई। वो मिला कि नहीं? नहीं भाई अभी तक तो नहीं मिला। रामचंद्र जी ने 14 साल वन में काटे और आपने 22 साल जेल में विधाता का ये कैसा खेल है? 22 सालों तक जो कष्ट उठाता रहा मुझे उनका दुख नहीं है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि औरत महान होती है। आज देख रहा हूं ये हमारा ही बेटा है ना। ये बिल्कुल मुझ पर गया है। हाँ। मेरे जैसी ताकत है ना इसमें। हाँ आपका ही बेटा है। इंस्पेक्टर हो ना, नौकरी से घर संभालोगे। तुम्हारी नौकरी अगर किसी और को मिल जाए तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। ये नौकरी छोड़कर हमारे पास आ जाओ, राजा की तरह रहोगे, वादा है ये। बोलो मेरे साथ रहोगे या वर्दी के साथ मरोगे? पत्थर का शरीर लेकर बम और हथियार से खेलते हुए आप अपनी जिंदगी में कभी चैन से नहीं सो पाए। अब भी वक्त है, सबको छोड़कर आराम कीजिए। सत्य शेट्टी, पहले तुम्हारे मुंह से उपदेश सुनता था, अब इसके मुंह से सुनने पड़ रहे हैं। लगता है ये बहुत भूखा है, खाना खाकर सो जाना बेटे। ये बड़ा सिंसियर ऑफिसर है, अगर उससे बचना है तो उसका सहारा लेना होगा। लगता है उनके ब्लड में ही सिंसियरिटी है। इसका मतलब हमारे ब्लड में सिंसियरिटी नहीं है? आपके ब्लड में और उनके ब्लड में अंतर है, समझे? हम क्या बेवकूफ हैं? समझाता हूँ। अबे देखो ये विस्की इसमें डाल दिया मैंने और ये सोडा। अब देखना, विस्की में जलती आग के तीले डालो तो भड़क करके जलती है, ऐसा है उनका ब्लड, समझा है? और ये तुम्हारा भुस भुस करके सब फोस हो जाती है, ये सब तुम्हारा ब्लड, समझे? जान से मार डालूंगा तुझे। हा? अगर फालतू बात किया तो, समझा? एसपी हमारे एरिया में रहेगा तो हमारे लिए सेफ्टी होगी, या तो ये उसे मार डालेगा या फिर वो इसे मार डालेगा। दोनों ही सूरत में फायदा हमारा ही है। हेलो। हेलो सर, नमस्कार, मैं काशी रेड्डी। हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर, वो कुछ। थैंक यू वेरी मच सर, हमारा काम हो गया, चलो खाना खाते हैं।
ये फोटो यहाँ क्यों है? हा? तुमसे कहा ना ये फोटो यहाँ नहीं रहेगी। हाथ हटाओ। हाथ मत लगाना इस फोटो को, काट डालूंगी। अब तक तुमने मुझे अपनी पत्नी के रूप में देखा है, अगर ये फोटो यहाँ से हिला तो तू मुझे चंद्रा केशव रेड्डी की बहन के रूप में देखेगा। आग लगे हुए घर में औरत को छेड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। फोटो ही तो है ना, लगे रहने दे। चलो खाना। कितने दिनों के बाद गांव का खाना खाने को मिल रहा है ना, बहुत अच्छा था। डैडी, अंकल बिल्कुल भरत जैसे लगते हैं ना। ये भरत जैसे नहीं लगते, भरत इनके जैसा लगता है। दोनों में फर्क क्या है? एक पेड़ और पौधे में जो अंतर होता है वही। मेरी बेटी ने 6 दिन से खाना नहीं खाया। जब से आपके बेटे भरत का ट्रांसफर हुआ है, मैं अपनी बेटी को शादी से पहले उसके ससुराल भेजूं या शादी होने के बाद, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता छोड़कर अपनी बेटी को यहीं छोड़ जाइए। ये खुशकिस्मत है जो ऐसा पति मिल रहा है। शादी का मुहूर्त निकलते ही आपको खबर कर देंगे। ठीक है, खाना खाइए। बुध गुरु शनि, शनि गुरु बुध, ओहो क्या 4 घंटे से मुहूर्त निकाल रहा है, जल्दी मुहूर्त निकाल। लो खुद निकाल लो, निकाल लो ना, जल्दी निकालो। क्यों पसीने छूट गया पंचांग देखकर? बहुत उछल रहे हो पंडित जी। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, बैठिए। मैं क्या करूं, ये गुस्सा दिला रहा है। अरे रेड्डी खानदान में मैरिज है, किसी अरे गरे की मैरिज है क्या? मैथमेटिक्स है सर। पट जाएगा पंचांग। ओहो, इनडायरेक्टली मेरे फटने की बात कर रहा है। पंडित जी टाइम की चिंता मत कीजिए, पंचांग देखकर मुहूर्त निकालिए। पंडितों की आजकल कोई इज्जत ही नहीं रही। अरे पंचांग देखना है, कोई मजाक नहीं है, मुझे मालूम है क्या करना है। तो मुहूर्त निकालो, उसके बाद तेरे चप्पल लगा दूंगा। क्या सोच रहे हो मन में? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं सब जानता हूँ। मेरे नीचे बम लगाओगे, मेरे नीचे बम लगाओगे। 6 महीने के बाद एक अच्छा मुहूर्त है, आप 6 महीने बाद शादी करवा सकते हैं। पंडित जी क्या आप जरा मेरे साथ आ सकते हैं? क्या बात है बोलो। मुहूर्त जल्दी नहीं हो सकता? पंडित मैं हूँ या तुम? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो। लीजिए। क्या है ये? पैसे रख लीजिए। रिश्वत? मुझे पैसे देकर खरीदना चाहती हो? मुझे कोई पैसों से नहीं खरीद सकता। मैं जो चाहती हूँ हासिल करके रहती हूँ, पैसे देकर या पिटाई करके। मुझे पीटोगी? पीटो पीटो पीटो। क्या बात है पंडित जी, कोई तकलीफ? लड़की ने मारा क्या? क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये लड़की मारेगी? ओहो, आपको पता है शक्ति फिल्म की स्टोरी किसने लिखी? हीरो फिल्म में फाइट सीन किसने डायरेक्ट किया? वो तो पैर फिसल गया इसलिए। पंडित जी उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। रेड्डी साहब, आधे घंटे तक बहुत अच्छा मुहूर्त है, अगर आप चाहें तो। क्या कह रहे हैं आप, आधे घंटे तक का मुहूर्त है? मेरा मतलब है कल कल पंडित जी, कल ये शादी करवा सकते हैं आप। अरे बिल्कुल 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 है। पंडित जी आप जरा मेरे साथ अंदर आएंगे? क्या मुझे टेंशन होने लगती है, वैसे भी हम लोग यहाँ क्यों आए? नो हैंड मैटर, बस बताओ क्यों आए हैं। 6 महीने तक ये शादी नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे फिर मारेगी, सच्ची में बहुत मारेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। मुहूर्त जल्दी निकाला तो मैं मारूंगा, बहुत मारूंगा। तुम किससे बात कर रहे हो? वो तो वो लड़की थी इसलिए छोड़ दिया। पर्सनैलिटी देगा है मेरी? तो
पता पंचांग कहाँ है। रेड्डी साहब, मैं आपके बेटे की शादी का मुहूर्त नहीं निकाल सकता। आप जापान से किसी ब्रूसली के खानदान में अगर कोई पंडित हो तो उसे बुलवा लीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बाप रे, अरे ओहो, आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं ना, इसलिए बॉडी पेन कर रही है। अब वैसे सब ठीक है। अरे अरे जाने दो मुझे, अरे क्यों आया यहाँ, बचाओ। बेटी प्रीति, पहले तुम लोग आपस में बैठकर डिसाइड करो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो। तुमने ही कहा था ना कि शादी के बाद अपनी फुल बॉडी अपने पति को ही दिखाना करके, इसलिए मैंने जल्दबाजी की। अरे वाह, कितनी मासूमियत से बोल रही है। यह अदबी तुमसे ही सीखी है। है ना तुमको? जी सर। 10:58 क्या रे, इस कोर्ट को क्या सिनेमा हॉल समझ रखा है? अरे क्या बात कर रही हो, जो पीछे से हाथ लगा रहे, अरे मैं क्या चुप बैठूंगी? अरे बात को समझा करो। अब यहाँ खड़ा रहने से कोई फायदा नहीं। आपके बड़े भाई के तो चित्रे चित्रे हो गए। अब चंद्रकांत केशव रेड्डी को देख लो। चंद्रकांत केशव रेड्डी, बहन तो मंदिर में कैसे? वो मर गया तो क्या हुआ? आपने मुझे दुल्हन बनाकर उस घर में जरूर भेजा था, मगर मैं आज भी आपकी बहन हूँ। आज आपने उसे मार दिया, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। ये क्या करने आया हो? तुम्हें मेरे भाई के बारे में नहीं मालूम, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता, मगर तुम तो मेरे बारे में जानती हो। हाँ?
सकती हूँ। जी करता है तुम्हें जान से मार दूँ, पर जाओ। भैया मार डालो इसे, मार डालो। नहीं बहन। नहीं भैया ये गलत नहीं होगा। तू मेरे भैया को मारेगा, मेरे भैया को मारेगा। नहीं बहन ये गलत होगा। गलत है। जब एक लड़की को मायके से ससुराल भेजा जाता है, उसे 16 श्रृंगार करके और मर्यादा के साथ विदा किया जाता है, ताकि वो लड़की ससुराल में अपनी मर्यादा बनाए रखेगी। और इसी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए मैंने इतने सालों तक इस जानवर के साथ बिताए। कहाँ चंद्रकिशोर रेड्डी? तुम्हें मेरा भाई चाहिए तो जरूर मिलेगा, मगर तुम उसे पकड़ना चाहोगे तो भी उसे पकड़ नहीं पाओगे। वैसे भी मेरे भैया ने किया क्या है? धरती का बोझ तो ये लोग हैं। इस धरती पर लोग सिर्फ दो ही महापुरुष की पूजा करते हैं, एक भगवान की और दूसरे मेरे भैया की। मैं बताती हूँ कि मेरे भैया क्या है। नमस्कार बाबू, आप हमेशा गरीबों की मदद करते, भगवान आपका भला करे। पहले छोटे भाई के पैर छुओ। जीती रहो मेरी बहन। भाई आप ये खेत खरीद लो, जब भी हमें अपने खेत में जाना होता तो वेंकट रेड्डी के खेत से जाना पड़ता है। उसमें और हमें जनता नहीं, वो हमें अपना खेत क्यों बेचेगा? अब मैं क्या करता भैया, मैंने कोई जबरदस्ती तो की नहीं, अब ये मेरे पीछे पड़ गई थी। भैया देखो मेरी कोई गलती नहीं है, हम दोनों का कास्ट एक है, आप भी रेड्डी मैं भी रेड्डी, और ये ठहरी छोटी जात वाली। एक तो लड़की पर अत्याचार कर रहे हो और उस पर कास्ट की दुहाई दे रहे हो। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? क्या किया? एक लड़की की जान ली है इसने, बगैर शादी के उस लड़की को पेट से कर दिया, और जब इराज खुला तो उस लड़की को सैप लाकर मार डाला। जो उस लड़की को तकलीफ हुई है वो इसे भी होनी चाहिए। बेटी के मरने पर उसके बाप पर क्या बीती होगी, इसका एहसास तुम्हें होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने मार रहा हूँ। डाल दो इसके मुंह में जहर। पिताजी, पिताजी मुझे बचाओ। अगर तुमने मेरे बेटे को जहर पिलाया तो मैं भी तुम्हें पिलाओ। जल्दी पिताजी। फिर कभी तुमने या तुम्हारे बेटों ने कोई गलती की तो जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मार दूंगा। काशी रेड्डी। जी पिताजी।
बड़े रेड्डी के घर जाना है, तैयारी करो। ऐसे क्या देख रही हो तुम? आपकी जैसी तो लड़कियां भी अपने आप को इतना नहीं सजाती होगी। ए, खूबसूरत सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़के भी खूबसूरत होते हैं, और भगवान ने जो दिया उसे संभाल कर रखना चाहिए। वैसे भगवान ने मुझे ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाया, इसलिए तो भगवान ने मुझे तुमको दिया है। लोगों को तो तुम अपने हाथों से मारते हो और मुझे अपनी प्यार भरी बातें सुना। बातों में तो मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाऊंगा। मुझे इस तरह पहले कभी देखा नहीं। बड़े रेड्डी साहब से मिलना है। नमस्ते बड़े रेड्डी साहब। नमस्ते वेंकट रेड्डी। इधर गलती से आ गया क्या? और कोई रास्ता नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं। हमारे बचपन की दोस्ती मेरी बेवकूफी की वजह से टूट गई। अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक हो जाते हैं। तुम सब अंदर जाओ। मैं यहां झगड़ा करने नहीं आया, मैं आपको अपना दुखड़ा सुनाने आया हूं। मैंने 5 बेटों को पैदा किया और आपने सिर्फ 1, मगर हमारे पूरे राज्य में लोग उसको सलाम करते हैं। वाकई मर्द का बच्चा पैदा किया आपने, आपके जैसा बेटा मैंने पैदा नहीं किया। ये सोचकर मुझे रात को नींद नहीं आती। आपके घर में एक वारिस है, तो मेरे घर में भी होना था, मगर मेरे पास कोई बेटी नहीं है। अगर होती तो उसे आपके बेटे की दुल्हन बनाकर पोते को घर ले जाता, पोते को ले जाता मैं। वेंकट रेड्डी, दर्द है भाई, दर्द। मैं अंदर ही अंदर खुट रहा हूं भाई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनाकर भेज दीजिए। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं वेंकट रेड्डी साहब? आज तक आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और मैं भी नहीं लौटूंगा। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मेरा बेटा अभी घर पे नहीं है, उससे पूछना तो पड़ेगा। अपने बेटे से पूछेंगे तो कभी तैयार नहीं होगा, वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, आप यकीन मानिए। खून की कसम खाता हूं भाई, मेरे घर में आपकी बेटी को बेटी का दर्जा मिलेगा। तुम्हारी बेटी के जरिए आपके बेटे सा वीर बेटा मेरे घर में जन्म लेगा भाई, यही मेरी आशा है। बचपन की दोस्ती की लाज रखो, मेरी इच्छा पूरी करो। बोलो भाई, ये हुई ना बात। जिस इंसान की लोग पूजा करते हैं, जो लोगों को अन्नदान करता है, जमीन दान करता है, उसे कोई अपनी बेटी दान नहीं कर सकता। मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे मेरे फैसले पर विश्वास है। बेटा, तुम्हें अपने पिताजी की बात माननी होगी, मगर तुम्हें अपने हाथों से ये शादी करवाना है। भाई, लड़की का बाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लड़के का पैर धोना ही पड़ता है, ये अपना रिवाज है। तुम्हारे भाई के पैर भी तो मेरे पिता ने धोए थे ना? तुम्हारे पिताजी की वजह से तुमने भाई के पैर धोए, समझे? इसे अपना नसीब समझो। प्रभु भाव,
मेरी माँ। अरे बच्चे के हाथ में चाकू, ये बड़ा होकर क्या करेगा, हमें मार डालेगा, हमें। ऐसा नहीं हो सकता। आज के बाद इस कुटुंब का नाम और निशान मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ची 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 ची। बच्चे के हाथ में चाकू, अरे बड़ा होकर हमको चाकू से मार डालेगा। खत्म कर दे इसको। सुनो बहन, कुंवर जी ने आपको बुलाया है। भाभी जी। हाँ? आप उधर कहाँ जा रही हैं? कुंवर जी ने बुलाया है। लेकिन भाई तो उधर है। अच्छा अच्छा, कुंवर जी उस तरफ है, आइए आइए इस तरफ। आप कुछ खा लीजिए। आपने मुझे बुलाया? नहीं तो, वो मैंने मैंने सोचा आपसे कैसे बात करूं, इसीलिए सिस्टर को। क्या बात है? वो आपके पिताजी शादी के मंडप से लोगों को वापस लेकर चले गए। लेकिन क्यों? मेरे पिताजी ने कुछ दहेज की बात की तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो चले गए। पिताजी जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। क्यों, उन्होंने जो शादी का फैसला किया वो जल्दबाजी में नहीं किया क्या? सत्या रेड्डी, ठीक है मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर तो है। ठीक है मैं चलता हूँ। पिताजी, वो सत्या रेड्डी बड़े रेड्डी को लेने गया है। पिताजी, अब हम लोगों को भी सीधे मंडप में चलना चाहिए, फिर रीत रिवाज के साथ शादी हो जाएगी और उसके बाद मैं सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। जय रेड्डी। जी पिताजी। मेरी शर्ट खून से लथपथ हो गई है, नई मंगा दे। माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपके पिता से दहेज की बात नहीं की। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी को पता नहीं कि लड़की वालों को भी पूछने का हक बनता है। पिताजी, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ। दुल्हन को घर लेकर जाना होगा। आओ बेटा, अपनी बहन को विदा करो। पहले पिताजी को आ जाने दीजिए, वो सत्या रेड्डी उन्हें लेने गया है। तुम्हारे पिताजी को मैं बचपन से जानता हूँ, अभी वो नहीं आएंगे। कल मैं मना लूंगा, कल मैं पार्टी भी दूंगा, अभी मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो बेटा चलो। बहन, मर्द गलती करना अपना हक समझते हैं, पर बीवी अपने पति की हर गलती को माफ करके हर बात को अपने सीने में रखती है, इससे लड़की के मायके और ससुराल की इज्जत बनी रहती है। देखो बड़े साहब कहीं भी नहीं है, मंडप में भी नहीं है, गाड़ी में हथियार और बम है ना। हाँ, हाँ, चलिए करो, सब है। चलो। हाँ सब रेडी है, चलो। सो जाना बेटे। क्यों रे, मौत को सामने देखकर तेरी हवा निकल गई क्या? तुमने इसी को इतने से मेरे सामने मेरे बच्चों को मारा था, मगर मैं तुम्हारे पीठ पीछे शादी के मंडप में तुम्हारे खानदान के सभी लोगों को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मार डालूंगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। और परसों से जो मेरे दिल के अंदर आग जल रही है, आज तेरे खून से बुझेगी वो आग। पापा, पापा। पिताजी। नहीं, मेरी चिंता छोड़, इन लोगों की चिंता कर, आज जिंदा नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, खत्म कर दो इन्हें। हाँ। मेरी बात याद रखना बेटा, तू एक बहादुर बाप का बेटा है। हाँ। नहीं छोड़ना इस कुत्ते को, मेरे खून की कसम है तुझे, जा जा जल्दी। Thank you.
चले जाओ। अच्छा भागो सब लोग, वो लोग आ गए। भाई सत्या रेड्डी, हाँ भाई, उन्होंने उन्होंने मुझे घेर लिया था भाई। चलो तो भाई, चलो मैंने उनको मैंने उन सबको गाड़ी ला दिया है। चलो भाई, हाँ भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा, आपको मारेंगे भाई। उसको हॉस्पिटल में खत्म कर दो, खत्म कर दो। पागलपन की बातें मत करो, उसके लोग और पूरे गांव वाले हॉस्पिटल के बाहर उसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। अगर वह हॉस्पिटल से जिंदा आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हाँ। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसको खत्म करना है। लॉ ऑर्डर के लूज पॉइंट को लेकर ये साबित कर सकते हैं कि वो कहीं चला गया, उसे हॉस्पिटल में गिरफ्तार करवा लेते हैं, पुलिस को खरीद लेते हैं। हम ये केस दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे और उस केस को कोई भी तारीख नहीं मिले ऐसा मैं कर दूंगा, और इस राज्य की सबसे खतरनाक जेल काशीनगर जेल, वो जब तक जिंदा रहेगा जेल में ही रहेगा। देखिए, ये मेरे पिताजी और आपके भाई हैं, इसलिए भले ही हम लोगों के लिए सही हो सकते हैं, मगर कानून इस बात को नहीं मानता। प्रकाश, इनको कस्टडी में ले लो। कौन हो? मुझे पंडित नारायण जी से मिलने। बोलो पंडित जी। मेरा नाम लगान खान है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मुझे उसके साथ शादी करनी है। ठीक है, मगर मेरे पास आने का लॉजिक क्या है? आप जिस लड़की की शादी करने जा रहे हैं वही लड़की मेरे प्रेमिका है। वो लड़की तुमसे प्यार करती? हाँ, है बहुत। तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से करवाऊंगा। नमस्कार पंडित जी। जो भी करना है जल्दी करो, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। पंडित जी मुहूर्त मुहूर्त क्या कर रहे हैं तुम? मेरे गुरु जी ने कहा वही मुहूर्त। कौन है ये, क्या बोल रहे हैं? ये मेरा असिस्टेंट है, दूल्हा कहाँ है? नमस्ते पंडित जी। किसे देख रहे हैं आप? दूल्हे को। मैं दूल्हा हूँ, मारते क्यों? इस उम्र में शादी कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हो तो मैं तो दिखने को ऐसा वैसा हूँ, लेकिन मैं तो जवान हूँ। जवान? ये आंखों के नीचे गड्ढे कैसे? सोया नहीं ना। जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ और बीच में कोई बोलता है तो मेरा रिएक्शन ऐसा ही होता है। चार लोगों के सामने मार रहे हो? मैं जो करता हूँ चार लोगों के बीच ही करता हूँ। पंडित जी अभी आपसे क्या छुपाना है, मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा ही है, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हो रही है, प्लीज मेरी शादी करा दीजिए ना। हाँ। मेरे हाथों की लकीरें क्या देख रहा है, जा जाकर बैठ। कंफर्टेबल है ना? मुस्तकिले जहन्नुमा दोज़खुल फिसादों को निकाली सिर्फ क्यों सब ठीक फील हो रहा है ना? बोल। चलने दो, चलने दो। शास्त्री जरा एप्पल देना। मंत्र पढ़ो। मैं मंत्र पढ़ूं? अरे मंत्र पढ़ना इसकी शादी है, मैं पढ़ूंगा क्या? हाँ कोशिश करता हूँ। मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीवी मोटी उसका बड़ा काम है। ये क्या पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हो, लोरी सुना रहे हो? देखो मुझे तो ऐसे मंत्र दे, शादी करनी है कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। हाँ तो ठीक है ठीक है। हमारा दिल आपके पास, हम आपके है कौन, हम किसी से कम नहीं। जो अब ये पैर आगे करो। ये क्या रंग थी? पैर दिखाता है, पैर दिखाता है। आपने तो काम पे तो ये रख दिए। पानी दो। डालो क्या? मैं इसके पाँव धोने का पंडित जी। अबे साले रिहर्सल करवा रहा हूँ, रिहर्सल। ठीक है पानी दो। लेकिन मेरी शादी हो जानी चाहिए।
हाँ सब हो जाएगा, चले मंगलसूत्र। अबे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाथ ऐसे कांपते हैं मेरे। अच्छा शास्त्री तू पहना। लेकिन मंगलसूत्र मैं बांधूंगा ना। अब मैं रिहर्सल करवा रहा हूँ, समझता नहीं है तू? देता हूँ, ले ले बाबा, बांधे। हाँ चल पहना दे, बजा दे, पहना दे। हाँ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। लेकिन शादी तो मेरी करवा रहे हैं ना पंडित जी। यहाँ किसकी शादी करवाने आया हूँ? तेरी शादी करवाने आया हूँ, तेरी शादी हो रही है। अली खान अपनी दुल्हन को लेके जाओ यहाँ से। पंडित जी मैं मेहमान हूँ या दूल्हा? तू मेहमान है बेटे, एक टांग कब्र में और शादी करेगा तू? शादी उसकी हो गई है? सदा कुंवर रहो, कुंवर जी हो कुंवर मरो स्वाहा। क्या बोल रहे आप? आई डोंट नो। ओ खान साहब चलो अपनी दुल्हन को लेकर जा रहे हैं। क्या पंडित जी, तुम्हारी ऐसी कितनी, मेरी शादी अच्छे मुहूर्त में हो रही थी, मगर तुम मेरे होने वाले बीवी को दूसरे के साथ भेज रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ए देखो पंडित तरण, चल 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 बजाओ। गुरुदेव गुरुदेव कहा था ना, पंडित नारायण से पंगा लोगे तो चीटी की तरह मसल के रख दूंगा। गुरुदेव गुरुदेव आप गुरुदेव है या ब्रुसली? पहले बहुत मार खाया हूँ, बहुत मार खाया हूँ, फिर एक्सरसाइज करके ये बॉडी बनाई है बेटे। अरे दैट इज पंडित नारायण। देखिए कोठारे जी, बार बार फोन करके याद दिलाने की जरूरत नहीं, माना कि वो मेरा बाप है मगर कानून का नहीं, और उसे कैसे पकड़ना मुझे पता है। दोबारा फोन मत करना प्लीज। हा? ये सब क्या है? ये फोटो तुम्हारा ही है ना? इस गेटअप में तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। निकलो बाहर जाओ। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें जानती नहीं? अभी तो मुझे भगा रहे हो, फिर एक घंटे बाद कहोगे डार्लिंग आ जाओ आ जाओ। जानेमन अब और कितना इंतजार करवाओगे? अब आप ही जाओ ना। सब झूठ है, भरत ने तुम्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर ये सच है तो हम जरूर जाएंगे। तुम्हारे बेटे ने मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें मार दिया, आज कानून है इसके लिए सब कुछ है। तो मैं मर गई ये सुनकर आप यहां आए? ये क्या तुम्हें? मेरे पति जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो हो जाना चाहिए। माँ हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। ये आपको धोखा देना चाहता था। हाँ? बेटा
जैसे तुम्हारे लिए ड्यूटी जरूरी है वैसे इनके लिए बदला जरूरी है। सुनो जी, मुझे यहाँ से ले चलो, ले चलो यहाँ। पिताजी, आप यहाँ से बाहर कर नहीं जा सकते, मां को अस्पताल में एडमिट करते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। नहीं, मैं इसके साथ जीने से अच्छा आपके बाहों में मरना पसंद करूंगी। आप खुद को सरेंडर नहीं करेंगे। पिताजी, आपने जिन लोगों को मारा है वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, एक सेंट्रल मिनिस्टर था और उनमें से एक जज था। आपकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 2 करोड़ खर्च किए, आप बाहर कर नहीं जा सकते। बेटे, मुझे पकड़ने के लिए खर्च की जरूरत नहीं, कलेजा चाहिए। और कलेजा कैसा होता है मैं बताता हूं। सत्या रेडी।
देवी, देवी। हिम्मत मत हारिए, आपके आंखों से आंसू नहीं आग बरसने चाहिए। अब रहने दीजिए, आज मेरा जीवन सफल हो गया है जी। आपकी आपकी बाहों में दम तोड़ रही हूँ, बहुत ही सुकून मिल रहा है। मरते समय तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में थी, तुम उसकी चिता को आग दोगे तो गुस्सा कम हो जाएगा। दो। बेटे क्यों किया ये सब तुमने? मुझे पकड़ने? मेरे सारे रिश्तेदार खत्म हो चुके थे, एक तुम्हारी माँ ही बची थी, आज वो भी खत्म हो गई। बेटे अब तू बचा है, अब अगर मैं जेल चला गया तो फिर बाहर आऊंगा, और जब तक उसे मारूंगा नहीं मैं भी नहीं मरूंगा। अरेस्ट करो मुझे। मार डालियो उसे। माँ की मौत से आपको कितना दुख हुआ होगा, अब इसका एहसास मुझे हो रहा है। मार डालियो उसे। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझ पर विश्वास कीजिए। तू, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है जी। कैसा रिस्क? आपने विस्की में माचिस की तिल्ली डाला है, हम लोग सोड़ा है ना, ऐसे गुरु कर क्या देख रहे? आप कितना भी गुरु कर देख लो, हम सोड़ा ही रहेंगे। क्या बोला? कुछ नहीं, नथिंग। नमस्कार, धनंजय रेड्डी ने हमें आपको मारने का हुक्म दिया है। भाई इसको मारने के लिए गोली की क्या जरूरत है, इसे तो मेरा मुक्का ही काफी है।
मुक्का नहीं, मुक्का नहीं मारना। धनंजय रेड्डी कहाँ है? हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। तो हाँ हाँ क्या कर रहा है? जवाब दे रहा हूँ। ये सब लोग मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं। हाँ सर आपके लिए। आई आई नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मामा जी? आप जाइए। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। तेरा बाप इसे कैसे मारता यह देखने आया हूँ। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। वो कड़ापा जेल में है। दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जिसे तोड़कर मेरा भाई नहीं आ सकता। वो जरूर आएगा। यहाँ पर हमारे राज्य के महान आदमी, महान हस्ती आए हुए हैं। धनंजय रेड्डी जी ने इस राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। इसका राज्य एक महान नेता है। मर गए। उन्हें अपनी जनता से बहुत प्यार है। वे आप लोगों की भलाई के लिए गाले रहे क्या? इसको जानना जरूरी है क्या? किस तरह से उड़ा रहे आप उसे? क्या बोला तू? मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। चाहो मार डालो, मार डालो इसे, जल्दी से मार डालो। इसको मारने के लिए पुलिस का रिवॉल्वर इस्तेमाल किया। ये लो। ए, छोड़, छोड़। खून का रिश्ता अच्छा निभाया और बदला बांट लिया, इसके लिए थैंक्स। अब भी वक्त है, ड्रेस उतार दो, भूखों को खाना खिलाओ, तकलीफ में लोगों को सहारा दो। मैं आऊंगा, लौट कर जरूर आऊंगा।